होम्स, मुकदमे का फैसला हो गया, फैसला सुनो। सुनवाई करने वाले जज ने होम्स, वॉटसन, क्या मैं इस फैसले का अंदाजा लगा सकता हूं? ठीक है, कहो। वुडली को सजा मिली होगी 10 साल की, विलियमसन को 7 साल की, और कराधर्स को मैंने पेशी के वक्त अदालत में जो बयान दिया था उसके आधार पर उसे शायद 6 महीने की। हाँ, बिल्कुल यही फैसला है। मैं तुमसे हमेशा ही कदम आगे रहता हूँ वॉटसन। शायद तुम्हें पता नहीं है कि आज की खबर मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, एक तोहफा और मिला है वॉटसन। शादी का केक है मिस्टर एंड मिसेस सिरिल मॉर्टन की ओर से। साथ में एक चिट्ठी है जिसमें लिखा है कि मिसेस मॉर्टन को उनके अंकल राल्फ स्मिथ की सारी दौलत मिल गई है जो पहले साउथ अफ्रीका में रहा करते थे। अब ये दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं और सेरा की देखभाल भी कर रहे हैं जब तक उसके पापा जेल में हैं। वो पियानो अच्छा बजाने लगी है और साइकिल चलाना भी सीख रही है। सब मिलाकर दिन बड़ा अच्छा रहा है ना? हाँ, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। बाकी है? क्या कह रहे हो? ध्यान से देखो। हाँ, याद आया, वो केमिकल रिएक्शन जिससे मिस्टर जॉन विंसेंट हार्डन का केस सुलझने वाला था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं हफ्ते भर इंपीरियल साइंस म्यूजियम में रहा और शायद मुझे जवाब मिल गया है। तो यही जवाब था मिस्टर होम्स? हाँ, जवाब तो यही है वॉटसन। आओ समझाता हूं।